अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, पिछली बार जो टॉपिक हम पढ़ रहे थे ऑर्गेनाइजेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, वो इनकम्प्लीट ही रहा था। आज चूंकि इंशाल्लाह वो कंप्लीट हम करेंगे, उसमें कुछ बातें रही थी वो मैं अब आज डिस्कस कर लूंगी। तो फिर से मैं रिपीट करूंगी, टॉपिक का नाम है ऑर्गेनाइजेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, कि हिंदुस्तान में रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स का जो मामला था, दैट वाज द ग्रेट चैलेंज इन फ्रंट ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। किस तरह से स्टेट्स को दर्जा दिया जाए, किस तरह से बॉर्डर्स बनाए जाए, किस तरह से इन प्रिंसली स्टेट्स जो हैं इनको रीग्रुपिंग करके फिर से स्टेट्स बनाया जाए, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो या ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पोलिटिकल कंफ्लिक्ट ओवर लैंग्वेज, पोलिटिकल कंफ्लिक्ट ओवर लैंग्वेज, लैंग्वेज की बुनियाद पे जो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ हिंदुस्तान में, कैसे हुआ और उसके क्या नताइज निकले, स्टेट्स किस तरह से वजूद में आई। जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा कि हम जब पढ़ रहे थे 1952 में जब स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बिठा दी गई, जो मैंने पिछली बार आपको बताया फजल अली जिसके हेड रहे थे, तो उन्होंने फिर वो ड्राफ्ट किस तरह से पार्लियामेंट में भेज दिया। 56 में फिर बिल पास हो गई जिसमें 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरी जो है वो वजूद में आ गई। ये थोड़ा बहुत मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, आज चूंकि फिर से मैं टच करूंगी कि किस तरह से हिंदुस्तान में स्टेट्स वजूद में आई। 1953 में तेलंगाना मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। याद रखिएगा, सबसे पहली मोमेंट हिंदुस्तान में इंडिपेंडेंस के बाद कि स्टेट का दर्जा हमें देने चाहिए, तो तेलंगाना मोमेंट स्टार्ट हुई थी आंध्र प्रदेश में। और वहां पे किस तरह से वहां पे जो उस तेलंगाना मोमेंट के जो यू नो वेटरन ऑफ गांधी जो थे, उनका नाम था पोटी श्रीमालू, तो वो उसके मोमेंट के लीडर रहे थे। और उन्होंने यू नो ही डाइड आफ्टर अंडरटेकिंग ए फास्ट unto death to demand a separate state of Andhra Pradesh in 1953. फिर उन्होंने fast रखा था और उन्होंने demand की थी, हालांकि ये गांधी के veteran रहे हैं, salt march में ये पहल कर रहे थे गांधी के साथ, तो इनकी demand थी कि you know यहाँ पे Andhra Pradesh में क्या था कि जो भी Dalits थे they were not allowed to go to temples. इनफैक्ट उन्हें कहा जाता था कि आप दलित हैं, छूतछात सिस्टम, अनटचेबिलिटी का जो मैंने कहा है, तो इस तरह से वहां बहुत ज्यादा ये प्रैक्टिस किया जा रहा था। तो उन्होंने फाइनली डिमांड की कि सेपरेट स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, हिंदुस्तान में जो आंध्र प्रदेश है यहाँ पे हम अलग स्टेट चाहते हैं। तो इन्होंने इसके लिए फास्ट रखा और फाइनली अपनी जान भी गंवाई और उन्हीं की कुर्बानी को मद्देनजर रखते हुए फिर आंध्र प्रदेश जो है उनको एक स्टेट का दर्जा दिया गया, सेपरेट स्टेट वो बन गई। तो ये चीज जो मद्देनजर रखी हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने, इसी को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने क्या किया कि दे फॉर्म स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन इन 1953 हेडेड बाय फजल अली। और फजल अली को जैसा प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया कि उनको ये काम सौंपा गया और उन्होंने फिर बहुत ज्यादा एफर्ट्स लड़ाए इस चीज के लिए कि किस तरह से स्टेट्स को दर्जा दिया जाए, किस तरह से कहां क्या बॉर्डर खींचा जाए, किस तरह से स्टेट्स को बनाया जाए। फाइनली उन्होंने ड्राफ्ट कंप्लीट किया और ड्राफ्ट जब कंप्लीट किया फिर बिल 1956 में पास हुई जिसमें हिंदुस्तान में 14 स्टेट्स वजूद में आई अलोंग विद 6 यूनियन टेरिटरीज ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। इनफैक्ट द लार्जेस्ट चेंज ऑफ बॉर्डर्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, याद रखिएगा, लार्जेस्ट चेंज ऑफ बॉर्डर्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो जिसमें 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज वजूद में आई 1956 में। लेकिन ये मामला यहाँ ही नहीं रहा, 14 स्टेट्स पे ही नहीं रहा। आप देख रहे हैं आजकल जब हम हिंदुस्तान की स्टेट्स की बात कर रहे हैं, आजकल प्रेजेंटली 29 स्टेट्स पहले थी, अब अगस्त 2019 में जम्मू एंड कश्मीर से स्टेट का दर्जा वापस लेके उसको यूटी बनाया, अब प्रेजेंटली 28 स्टेट्स हमारे पास है, यानी दोगुना डबल इस वक्त हमारे पास है। तो और शायद अगर फिर से ये मामला ऐसा ही उलझा रहा तो शायद इससे भी ज्यादा और स्टेट्स बढ़ जाएंगी। तो 1956 में जो 14 स्टेट्स अलोंग विद 6 यूनियन टेरिटरीज वजूद में आई, इसके साथ साथ ही फिर और भी कुछ स्टेट्स थी, दे आल्सो रेज्ड डिमांड ऑफ सेपरेट स्टेटहुड ऑन द
बेसिस ऑफ लैंग्वेज, उन्होंने भी कहा कि नहीं हमें भी जबान की बुनियाद पे अलग अलग स्टेट का दर्जा दिया जाए। जैसे गुजरात एंड महाराष्ट्र जो है, पहले बॉम्बे जो था, आज तो बॉम्बे है महाराष्ट्र की कैपिटल, तो बॉम्बे जो था उसके अंडर सारा गुजरात महाराष्ट्र ये सारा मिला के एक ही स्टेट थी जिसको बॉम्बे कहा जाता है। फिर यहाँ पे 60 में लैंग्वेज की बुनियाद पे ही गुजरात को, चूंकि गुजराती स्पीकिंग पीपल है, महाराष्ट्र मराठी स्पीकिंग पीपल है, दे ऑल्सो डिमांडेड सेपरेट स्टेटहुड और फाइनली दे गॉट सेपरेट स्टेटहुड इन 1960। बॉम्बे दिस गुजरात एंड महाराष्ट्र दी स्टेट्स वेयर कार्वड फ्रॉम बॉम्बे। तो उसके बाद ये रुका नहीं, फिर से 1963 में नागालैंड जो है, नागाल जो है, उन्होंने अलग से सेपरेट स्टेटहुड के लिए वहां से मूवमेंट शुरू कर दी और फिर नागालैंड एक अलग से स्टेट वजूद में आई। उसके बाद फिर 1966 की जब हम बात करते हैं, पंजाब की बात करते हैं, पहले पंजाब के अंडर हरियाणा हिमाचल प्रदेश ये तीनों स्टेट्स एक थी जिसको पंजाब कहा जाता था, लेकिन फिर पंजाब में पंजाबी स्पीकिंग ज्यादा थे, हरियाणा में हिंदी बोलने वाले ज्यादा थे, जबकि हिमाचल में पहाड़ी स्पीकिंग लोग थे। अब जब यहाँ पे स्टेट्स बनी ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, दे ऑल्सो रेज देयर स्लोगन्स अगेंस्ट सेपरेट स्टेटहुड, दे ऑल्सो डिमांडेड टू प्रिजर्व देयर लैंग्वेजेस, और उन्होंने कहा कि हमें पंजाब के साथ नहीं रहना है, हरियाणा वाले बोलते हम हिंदी बोलने वाले हैं तो पंजाब के साथ हम नहीं रहेंगे, हम अलग से एक स्टेट चाहते हैं। नतीजा ये निकला कि 66 में पंजाब जो है इसमें से हरियाणा और हिमाचल प्रदेश को अलग कर दिया गया और ये अलग स्टेट्स वजूद में आए। 66 से पहले ही 65 में और एक इम्पोर्टेंट बात भी बता दूं हिंदुस्तान की हिस्ट्री में क्या हुआ कि 1965 में लैंग्वेज स्ट्राइक शुरू हुआ, लैंग्वेज कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, कहां पे, बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ, क्योंकि नॉर्दर्न कंट्री जो है वो ज्यादा हिंदी बोलने वाले थे और साउदर्न कंट्री जो है वो वहां पे ज्यादा इंग्लिश बोलने वाले हैं। जब यहाँ पे हम कहते हैं कि लैंग्वेजेस को शेड्यूल 8 में जगह दी गई है, लैंग्वेजेस को हिंदुस्तान के यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है उसमें इस वक्त प्रेजेंटली हमारे पास 12 शेड्यूल्स हैं, और जब हम 8th शेड्यूल की बात करते हैं, 8th शेड्यूल डील्स लैंग्वेज, और उसमें आर्टिकल 344 पार्ट 1 एंड आर्टिकल 351 में वाजिया किया गया है कि अब हिंदी एंड इंग्लिश एंड 22 अदर ऑफिशियल लैंग्वेजेस, उसमें कहा गया कि हिंदुस्तान में अब तो प्रेजेंटली 23 है तो अलग से हमारे यहाँ पे ये लैंग्वेज जो है, हर एक स्टेट की अपनी जो उनकी लैंग्वेज होगी, जैसे कश्मीर की कश्मीरी है, पंजाब की पंजाबी है, तो ये इनकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस रहेंगी अलोंग विद इंग्लिश एंड हिंदी। लेकिन यहाँ पे 65 में क्या हुआ था, पहले हिंदी को ही रखा गया था ऑफिशियल लैंग्वेज, अब जब हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज रखा गया तो जो साउदर्न स्टेट्स थी उन्होंने कहा कि नहीं, हिंदी वाज टू टेक इफेक्ट एज इंडियाज नेशनल लैंग्वेज, द एंटायर साउथ इंडिया फेस्ड अ बर्निंग सिचुएशन ओवर दिस इशू, लैंग्वेज राइट्स इमर्जेड एज अ सिंगल फैक्टर ऑफ वायलेंस थ्रू आउट इंडिया फोर्सिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट टू कंटिन्यू इंग्लिश हिंदी एंड 22 अदर original languages recognized by schedule 8 as official language, each state has its regional language as the official language. Yaad rakhiyega ki burning issue start hua 65 mein language strife, jabki inhone kaha tha ki hindi official language rahegi lekin southern countries jo hain wo wahan pe zyada english bolne wale hain, unhone kaha ki hamare yahan pe official language hindi rahegi to hum english bolne wale hain, ye yahan pe hum manne wale nahi hain, चलिए हम हिंदी को भी नहीं कहेंगे डिसकंटिन्यू कर लो, हम इससे इनकार नहीं करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आप इंग्लिश को भी यू नो ऑफिशियल लैंग्वेज रखें। फिर यहाँ पे 65 में इसमें रखा गया कि नहीं, इंग्लिश और साथ साथ में हिंदी और दूसरी जो इनकी अपनी लैंग्वेजेस है, रीजनल लैंग्वेजेस है, ये इनकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस रहेगी। तो इस तरह से फिर धीरे 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 हर कोई डिमांड करने लगा। 66 में फिर पंजाब की और दो स्टेट्स निकली, हरियाणा एंड हिमाचल। फिर आगे बढ़ते हैं 1972 में, क्योंकि पहले अगर आप मैप देखोगे 56 का, जब मैप देखोगे जिसमें स्टेट्स 14 दिखाई गई है, तो उसके बाद अगर आज देखोगे, आप देखोगे आसाम जो है पहले सारा जितनी भी सेवन सिस्टर्स है ये सब एक ही थी और आसाम कहलाया जाता था। तो फिर
नागालैंड ने अपनी स्टेटहुड के लिए डिमांड की और फाइनली दे गॉट यू नो सेपरेट स्टेटहुड इन 1963. देयर वर अदर स्टेट्स एंड देयर आर प्रेजेंटली अदर स्टेट्स लाइक मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश. दे आल्सो रेज्ड देयर वॉइस अगेंस्ट देयर सेपरेट स्टेटहुड. Finally, in 1972, which was Meghalaya, Manipur, and Tripura, they were carved from Assam in 1972, and they got separate statehood. And then after the 1987, Arunachal Pradesh and Mizoram, they were also the part of, you know, Assam. They also got separate statehood in 1987. अब आप खुद समझ सकते हैं आसाम की कितनी अलग-अलग से शाखें निकली, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल, मिजोरम. तो धीरे 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 हर कोई जबान की बुनियाद पे अपनी लैंग्वेज को प्रिजर्व करने के लिए और कॉन्स्टिट्यूशन में रखा भी गया है शेड्यूल 8 में और स्टेट्स को दर्जा भी दिया गया. स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बिठाई भी थी, उसने रिपोर्ट भी तैयार की, स्टेट्स को दर्जा भी 56 में मिला ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज. इसी बात को इन्होंने पकड़ा और इसी को आगे ले रहे हैं और डिमांड करें कि नहीं, हमें अपनी वी हैव अ राइट टू प्रिजर्व आवर कल्चर लैंग्वेज. सो फॉर दैट रीजन वी नीड सेपरेट स्टेटहुड. And finally, they raised their slogans against the government and pressurized the government for their separate statehood. और कहीं न कहीं पर state इनका मानती है और इनको state जा रहा है. Then after it was in 2000, और बहुत बड़ा historic, यूँ समझ लो, 2000 में फिर से तीन states वजूद में आई, झारखंड, उत्तराखंड and छत्तीसगढ़. 2000 में झारखंड जो है वो बिहार का हिस्सा था, बिहार में से अलग एक स्टेट निकाली गई. इसी तरह से उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड निकाला गया, इसी तरह से मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ निकाला गया. एंड यू नो दी स्टेट्स वर कार्वड फ्रॉम अदर स्टेट्स. अगर ये तीन थी तो छह बन गई. इस तरह से स्टेट्स का दर्जा देते गए और स्टेट्स की तादाद बढ़ती गई. तो यहाँ ये मतलब खत्म नहीं होता है जब 2000 में और तीन स्टेट्स वजूद में आई, झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़. तो छह स्टेट्स में से और यू नो अब ये तीन स्टेट्स थी तो छह स्टेट्स बन गई. तो धीरे 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 स्टेट्स की तादाद बढ़ती गई और यहाँ ये मामला खत्म नहीं होता है. फिर 14 साल के बाद फिर से एक मूवमेंट शुरू हो जाती है आंध्र प्रदेश में कि नहीं हमें यहाँ पे तेलंगाना एक अलग सी स्टेट बनाई जाए. तो फाइनली इट वाज इन जून 2014 ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज ए न्यू स्टेट तेलंगाना वाज कार्वड आउट फ्रॉम आंध्र प्रदेश. जबान की बुनियाद पे ही आप देखिए 14 से अब 28 स्टेट्स बन गई. क्योंकि मैंने अभी आपसे कहा है पहले तो 29 थी टिल अगस्त 2019, फिर जम्मू एंड कश्मीर से स्टेट का दर्जा वापस लेके उसको यूटी बनाया गया. तो अब तादाद इसकी 28 है. हालांकि ये मैं कहना चाहूंगी ओवर 67 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस हैव प्रूव्ड लैंग्वेज टू बी अ वे ऑफ अरेंजिंग डाइवर्सिटी. इट्स अ बिग इश्यू व्हिच हैज इवन हिंडर्ड नेशनल इंटीग्रेशन. बात याद रखिएगा बच्चों, अभी भरोसा नहीं है 28 की, हो सकता है 56 भी बन जाए. धीरे 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 नई नई स्टेट्स वजूद में आ सकती है ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज. और एक बहुत बड़ा खतरा भी ये है कि अगर स्टेट्स इसी तरह से डिमांड करती रही सेपरेट स्टेटहुड का ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, तो नेचुरली हमारे यहाँ नेशनल इंटीग्रेशन जो है वो खतरे में पड़ सकती है. क्योंकि देश जो है इसका धीरे 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 आप देखिए बंटवारा हो रहा है, छोटे छोटे हिस्सों में अलग अलग से ये हो रही है. वो नेशनल इंटीग्रेशन जो है, नेशनल इंटीग्रेशन का जज्बा दिन ब दिन खत्म हो रहा है. तो शायद वो दिन दूर नहीं कि 50 स्टेट्स भी बन सकती है. तो धीरे 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 एक बड़ा इशू भी है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी है. तो हमें इस चीज को कम करना चाहिए, हमें इस चीज को रोकना चाहिए. इनफैक्ट यू नो अगर हम ये कहेंगे कि डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन प्लूरलिटी एंड दिस इज व्हाट आवर लीडर्स हैव ट्राइड टू डू ओवर द स्टेट्स, नो डाउट डेमोक्रेसी मीन्स प्लूरलिज्म. लेकिन साथ साथ में ये भी हमें ख्याल में रखना है कि लैंग्वेज की बुनियाद पे जो नई नई स्टेट्स वजूद में आ रही है, अगर इस चीज को रोका नहीं गया तो देश का बहुत ज्यादा नुकसान होगा और देश छोटे 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 हिस्सों में बंट सकता है. तो मेरे ख्याल में आज के लिए इतना ही. अल्लाह हाफिज. आज का टॉपिक हमारा कम्प्लीट हुआ. इंशाल्लाह नेक्स्ट अब हम कल पढ़ेंगे.